दोस्तों कोई भी कंपनी का जो एक फ्लैगशिप सीरीज का डिवाइस रहता है, भले आप फ्लैगशिप सीरीज में चले जाओ या मिड रेंज सीरीज में चले जाओ, तो उसमें बेस वेरिएंट रहता है, फिर उसके बाद में प्रीमियम वेरिएंट रहता है। लेकिन यहां पर वन प्लस की जो 10 सीरीज है, मतलब इसमें वन प्लस ने कुछ अजीब ही खेल खेल के रखा है। मतलब यहां पर जो बेस वेरियंट है, मतलब वन प्लस 10, इसके बारे में अभी तक कुछ ऐसी न्यूज निकल के नहीं आई। ऑब्वियसली फोन लॉन्च नहीं हुआ, कंपनी ने सबसे पहले वन प्लस 10 प्रो लॉन्च कर दिया, जो कि एक प्रीमियम डिवाइस है इस सीरीज में। वन प्लस 10 से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन निकल के नहीं आई, कुछ भी नहीं आया। अब यहां पर दोस्तों न्यूज है कि कंपनी वन प्लस 10T निकाल रही है, मतलब जो इसका टी सीरीज का डिवाइस है वो निकाल रही है। अब बेस वेरिएंट कहां है पता नहीं, अब वो आगे आएगा पता नहीं, लेकिन यहां पर गाइज वन प्लस 10T से रिलेटेड काफी इंफॉर्मेशन निकल के आ गई है, काफी लीक्स और स्पेसिफिकेशन इसके ऊपर आए हैं। यहां तक के जो खुद वन प्लस का पेज है उसके ऊपर कंपनी ने एक स्पेसिफिक पेज वन प्लस 10T से रिलेटेड बना दिया है। अब यहां पर गाइज मैं बात करूंगा सबसे पहले वन बाय वन इसके सारे स्पेसिफिकेशन को लेके, एंड में दोस्तों बात करूंगा मैं प्राइस और लॉन्च के बारे में, और साथ में गाइज हम कहीं ना कहीं कंपेयर करने की कोशिश करेंगे भाई क्या डिफरेंट मिलता है अगर हम देखेंगे वन प्लस 10 प्रो को। तो अब अगर यहां पर सबसे पहले मैं डिजाइन के बारे में इसके बात करूंगा तो कुछ इतना खास फर्क नजर नहीं आता है अगर आप कंपेयर करोगे वन प्लस 10 प्रो को। मतलब ज्यादातर लीक्स यही निकल के आई है कि डिट्टो जो है ना वो वन प्लस 10 प्रो का डिजाइन हमें देखने को मिल जाता है। मतलब वही कैमरा मॉडल मिलता है, वही पूरा बैक मिलता है, वही डिस्प्ले फीचर्स इसमें देखने को मिल जाते हैं, मतलब जो फ्रंट लुक है डिस्प्ले का। मतलब अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल डिट्टो वन प्लस 10 प्रो के जैसा डिजाइन हमें देखने को मिलता है वन प्लस 10T में। तो यहां पर गाइस डिजाइन के हिसाब से तो अब तक यही लीक निकल के आ रही है और आप अंदाजा लगा सकते हो कि भाई वन प्लस 10T इन डिजाइन इज एज गुड एज वन प्लस 10 प्रो। अब दोस्तों बात कर लेता हूं डिस्प्ले फीचर्स के बारे में, तो अभी तक ये लीक निकल के आ रही है कि इसमें 6.7 इंच का एक फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जिसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल सकता है। अब यहां पर दोस्तों अगर आप कंपेयर करोगे 10 प्रो से तो एक जो है ना डिफरेंस देखने को मिलता है, उसमें 2K डिस्प्ले मिलता है और इसमें जो है ना फुल HD प्लस मिलता है। और ऑब्वियसली यही एक्सपेक्ट भी किया जा सकता है क्योंकि 10T ऑब्वियसली एक अच्छा डिवाइस हो सकता है, लेकिन 10 प्रो जो है वो इस सीरीज में एक प्रीमियम डिवाइस से, तो ज्यादातर फीचर्स जो है वो उससे कंपेयर नहीं हो पाएंगे। अब यहां पर बात आ रही है कैमरा स्पेसिफिकेशंस को लेके, इसमें जो ना दोस्तों वही जो फ्लैगशिप सीरीज में ट्रेडिशनल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, इसमें वही सेटअप देखने को मिल जाता है। ट्रिपल सेटअप इसमें मिलता है जिसमें से 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस मिल सकता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस मिल सकता है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस इसमें मिल सकता है, और साथ ही में ये न्यूज़ भी है कि 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं पर जो प्राइस कंपनीज डिवाइस का सेट करेगी, और ऑब्वियसली प्राइस तो अब तक निकल कर आया ही नहीं, वो मैं आपसे बात करूंगा वीडियो के एंड में, लेकिन फिर भी यहाँ पर जिस सीरीज में फोन लॉन्च हो रहा है उसके हिसाब से यूजर्स अंदाजा लगा लेते हैं और उसमें लीक्स आ जाते हैं कि भाई क्या प्राइस में ये हो सकता है। उसके हिसाब से जो कैमरा स्पेसिफिकेशंस कंपनी ने वन प्लस 10T में रखने की कोशिश की है या शायद रखेंगे ऐसा, वो मुझे जो ना दोस्तों एकदम बिल्कुल भी सही नहीं लगा, बहुत डिसअपॉइंटिंग लगा है। सबसे पहली चीज, इतने प्राइस में एटलीस्ट कंपनी को हैसलब्लैड का लेंस देना चाहिए था। दूसरी चीज यह है कि इसमें जो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिल रहा है उसको कंपनी इजीली 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एटलीस्ट दे सकती थी, और जो 16 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा मिल रहा है उसको 32 मेगापिक्सल कंपनी आराम से कर सकती थी। 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर, मतलब क्या यार इतने महंगा फोन, मतलब इतना फ्लैगशिप लेवल का फोन उसमें 2 मेगापिक्सल कंपनी सेंसर दे रही है, तो मेरे हिसाब से कैमरा स्पेसिफिकेशन में मुझे फोन जो है दोस्तों एकदम बेकार लगाइए। अब फटाफट से दोस्तों बात कर लेता हूँ हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस के ऊपर, इसमें जो ना दोस्तों स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 प्रोसेसर देखने को मिलता है। जी हाँ, लेटेस्ट चिपसेट है इस वक्त क्वालकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन की, जो कि 8 प्लस जेन 1 है। अब ये ऑब्वियसली कुछ बोलने की जरूरत नहीं, इसका परफॉर्मेंस एकदम जबरदस्त रहेगा, एंड आई होप कि इसमें जो ना दोस्तों हीटिंग इशू नहीं रहेगा, क्योंकि स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 में कहीं कहीं पर ज़्यादातर फोन पर जो ना वो थर्मल का इशू पाया गया है, जहाँ पर हीटिंग इशूज होते थे, लेकिन वो बात की बात है। यहाँ पर दोस्तों हम बोल सकते हैं कि एक एडवांस चिपसेट जो ना दोस्तों वन प्लस 10T में हमें देखने को मिल सकती है, और जो रैम वेरिएंट है वो सेम रैम वेरिएंट इसमें देखने को मिलेंगे जो हमें 10 प्रो में मिले हैं। तो यहां पर गाइज मैं यही चीज बोलूंगा, अभी जो भी स्पेसिफिकेशंस निकल के आए हैं इस डिवाइस से रिलेटेड, मेरे हिसाब से हार्डवेयर में जो है ना दोस्तों ये फोन बेटर हो सकता है कंपेयरिंग टू वन प्लस 10 प्रो, और वो भी कुछ इतना ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि 8 प्लस जेन 1 जो है अगर आप कंपेयर करोगे 8 जेन 1 से तो तकरीबन 10-15% फास्टर परफॉर्मेंस देती है ओवरऑल, अगर मैं बोलूंगा एज अ होल अगर मैं बोलूंगा तो इतना ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, नंबर्स में अगर फर्क आ रहा है तो भाई फर्क है, तो मतलब ऑब्वियसली हार्डवेयर के हिसाब से जो है ना वो ये बेटर ज्यादा फोन हो सकता है कंपेयरिंग टू वन प्लस 10 प्रो। फाइनली दोस्तों अब बात जाता है बैटरी और सॉफ्टवेयर, तो गाइस
इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से इसमें 4800 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, साथ ही में 150 वॉट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है। ये एक बड़ा अपग्रेड जो है ना दोस्तों वो कंपनी दे रही है इस सेक्शन में। OnePlus 10 Pro अगर आप देखोगे तो उसमें 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिली थी मैक्सिमम, यहां पर कंपनी 150 वॉट प्रोवाइड कर रही है, तो ये बहुत बड़ा अपग्रेड जो है कंपनी की तरफ से होगा। और साथ ही में एंड्रॉइड 12 मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स, जो कि काम करेगा ऑक्सीजन 13 पे, लेटेस्ट ऑक्सीजन 13 पे। यस, तो गाइस ये तो हो गए सारे स्पेसिफिकेशंस जो अब तक लीक हुए हैं OnePlus 10T से रिलेटेड, और इसका जो पेज है वो भी आ चुका है OnePlus के वेबसाइट के ऊपर। अगर आपको और डिटेल में देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हो। फाइनली बात करूंगा दोस्तों मैं प्राइस और लॉन्च के बारे में। देखिए यहां पर लॉन्च से रिलेटेड कंपनी का ऑफिशियल अनाउंसमेंट आया है कि ऑगस्ट 3 को OnePlus 10T का लॉन्च हो जाएगा। प्राइस जो है ना दोस्तों यहाँ पर इतना लीक नहीं हुआ है, रिवील नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों ज़्यादातर एक्सपेक्टेशन ये लगाई जा रही है कि 50,000 से कंपनी एटलीस्ट इस डिवाइस को स्टार्ट करेगी, और यहाँ पर ये सही भी हो सकता है। विच मीन्स कि अगर आप OnePlus 10T का वेट कर रहे हो तो आप बजट के हिसाब से मतलब ये भी सोच लीजिए कि एटलीस्ट जो इसका बेस वेरियंट है वो 50,000 से स्टार्ट होगा। अब यहां पर देखिए दोस्तों मैं यही चीज बोलूंगा, आपको ये लेना चाहिए या नहीं, आपको 10 प्रो के लिए जाना चाहिए। मेरे हिसाब से गाइस देखिए इसमें दो मेजर डिफरेंस हमें देखने मिल जाता है। अगर आप 10 प्रो को देखोगे उसमें आपको बेटर कैमरा देखने मिल जाता है, बेटर अल्ट्रा वाइड लेंस है उसमें, बेटर लेंसेज देखने के लिए मिल जाते हैं। साथ ही में अगर आप OnePlus 10T को देखोगे तो इसमें आपको बेटर परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाता है। तो यहां पर गाइस अगर आपको बेटर कैमरा वाला फोन चाहिए तो आपको OnePlus 10 प्रो में जाना चाहिए, और ऑब्वियसली वो 10 सीरीज में अभी भी प्रीमियम डिवाइस है, लेकिन वहां पर आपको कुछ 7,000 से 8,000 रुपए जो है ना वो एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। साथ में गाइस अगर आपको कैमरा इतना मैटर नहीं करता है तो आप OnePlus 10T के लिए जा सकते हो या इसका जो है ना वो वेट कर सकते हो, बाकी चॉइस आपके ऊपर है भाई, आपको फिर कौन सा डिवाइस पसंद है तो दोनों ही OnePlus। तो गाइस यहीं तक था मेरा वीडियो, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर से बताना, और अभी तक यहां तक वीडियो देख लिया और अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दो यार, मतलब बहुत जरूरी है, बहुत मोटिवेशन मिलता है उससे। और जितना हो सके उतना शेयर करो गाइस, क्योंकि जितना आप शेयर करोगे उतना ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा हमें और ज्यादा वीडियोस बनाने के लिए। और सही में बस क्या बोल सकता हूं अभी, तो गाइस सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखना। चलिए दोस्तों फिर इंशाल्लाह मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में।